Today I'm going to discuss January 2019 paper. Question number 55. Gravida 4 para 0 plus 3 at term induced with glandin referred to you. She is fully dilated since 1.5 hours with fetal bradycardia. Station minus 1, caput plus 2, occipital transverse position. So what to do? लेबर के क्वेश्चंस में आपने माँ के स्पेसिफिक फीचर्स देखने हैं और बच्चे की फाइंडिंग्स को देखना है, मदर के वाइटल्स को चेक करना है, फिर ये चेक करना है कि एग्जॉस्ट तो नहीं हो गई है, फिर ये देखना है कि वो कब से फुली डायलेटेड है और बिशप स्कोर में सर्वाइकल डायलेटेशन भी इम्पॉर्टेंट है और फीटल हेड डिसेंट भी इम्पॉर्टेंट है, यानी फीटल हेड स्टेशन को देख के आपने अंदाजा लगाना है, सर्वाइकल डायलेटेशन को देख के अंदाजा लगाना है कि बिशप हमारा क्या बन रहा है और हमने कौन सा मोड ऑफ डिलीवरी वहां पे डिसाइड करना है। फिर बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग कौन सी हैं, बेबी का सीटीजी की फाइंडिंग्स आपने देखनी है, हार्ट रेट आपने देखना है, कोई ब्रेडीकार्डिया तो नहीं है, डिसेलरेशंस तो नहीं आ रही, मेकोनियम तो नहीं आ रहा, कैपट तो नहीं बना हुआ, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं। लेबर की फेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की दो फेजेस हैं, अर्ली लेबर लेटेंट फेज और लेट लेबर जो के एक्टिव फेज ऑफ लेबर कहलाता है। लेटेंट फेज ऑफ लेबर 5 सेंटीमीटर डायलेशन तक चलता है, 5 सेंटीमीटर के बाद एक्टिव फेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब फुली डायलेटेड सर्विक्स होती है यानी कि 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो गया। अब फुली डायलेटेड सर्विक्स से लेकर डिलीवरी ऑफ द बेबी ये सारा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है। उसके बाद थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। यहां पे मैं आपको एक रेफरेंस दिखाती हूं। दिस टेबल इज शोइंग इंटरवल फॉर डिफाइनिंग प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नली पेरस यानी कि प्राइमरी ग्रेविडा में विदाउट रीजनल एनेस्थीजिया यानी एपिड्यूरल एनेस्थीजिया 3 घंटे तक फुली डायलेटेड सर्विक्स चल सकती है और विद रीजनल एनेस्थीजिया यानी एपिड्यूरल आपने दिया है 4 घंटे तक भी चल सकता है। सो 4 घंटे तक अगर पेशेंट को आपने एपिड्यूरल लगाया था और वो प्राइमरी ग्रेविडा है, 4 घंटे मैक्सिमम पॉइंट है एपिड्यूरल के साथ कि उसकी सेकेंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो चुकी है, यानी अब अगर 4 घंटे से ज्यादा का टाइम गुजरा तो कुछ करें, नहीं तो बच्चा मर जाएगा या माँ मर जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, उस वक्त मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी हो सकती है। सो 4 घंटे से आगे नहीं जाना। इसी तरह विदाउट एपिड्यूरल आपने 3 घंटे से आगे नहीं जाना। मल्टी ग्रेविडा में विदाउट एपिड्यूरल या रीजनल एनेस्थीजिया 2 घंटे का टाइम है, विद एपिड्यूरल 3 घंटे का टाइम है। सो अब आपको मैक्सिमम लिमिट तो पता चल गई, फुली डायलेटेड सर्विक्स की पता चल गई कि हमने कब तक इंतजार करना है और कब तक हमने एक्शन लेना है। अगली बात आती है बिशप स्कोर। बिशप स्कोर में 0 के लेवल तक, 0 फीटल हेड स्टेशन यानी के इस्चियल स्पाइन, 0 के बाद अगर फीटल हेड क्रॉस कर गया तो ठीक है, अब आप सेफ जोन में हैं। तमाम फीटल हेड स्टेशंस 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे हैं। अगर आप इनको देखें -3, -2, -1 ये सारे 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे हैं। अगर फीटल हेड 0 के लेवल को क्रॉस कर गया, इसका मतलब अब कुछ ना कुछ हद तक इसकी डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि 0 पे अड़ जाने का मतलब है डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। अब नहीं आता, ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की निशानी है, चाहे वो ट्रांसवर्स अरेस्ट की वजह से है, चाहे वो किसी और मैल प्रेजेंटेशन की वजह से है, लेकिन 0 से नीचे आने का मतलब है डिलीवरी पॉसिबल है। यहां पे 0 से नीचे का मतलब +1 फीटल हेड स्टेशन, +2 फीटल हेड स्टेशन, +3 फीटल हेड स्टेशन। +3 फीटल हेड स्टेशन का मतलब है क्राउनिंग, यानी कि फीटल हेड इज विजिबल विदाउट पार्टिंग लेबिया, लेबिया को अपार्ट किए बगैर ही नजर आ रहा है। वहां पे आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी प्लान करें भी तो बहुत फेवरेबल है, फोर्सेप लगाना चाहें तो आउटलेट फोर्सेप लगाएंगे, वैक्यूम लगा सकते हैं। +2 के लेवल पे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी प्लान करने के लिए लो मिड कैविटी फोर्सेप लगता है, विच इज नेविल बार्न्स एंड सिम्पसन्स। +1 मिड कैविटी का लेवल है, +2 लो मिड कैविटी का लेवल है, +3 आउटलेट का लेवल है। कौन सी पोजिशन पे लगेगा? +2 के लेवल पे कफेलिक प्रेजेंटेशन तो है, पोजीशन क्या है? ऑब्लीक ऑक्सीपिटो एंटीरियर। सो कौन कौन सी पोजीशंस पे आप करेंगे? ऑब्लीक ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, राइट और लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ये वाली चारों जो पोजीशंस हैं, इन पे आप नेविल बार्न सिम्पसन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूं +1 फीटल हेड स्टेशन पे ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजिशन है, अब ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन का मतलब है फीटल हेड रोटेशन मोर देन 45 डिग्री,
यहाँ पे नहीं नेविल बॉन सिम्पसन लगाना, यहाँ पे लगेगा कीलैंड्स फॉरसेप्स। अच्छा, ऑक्सीपिटल इंटीरियर किसे कहते हैं, यानी जो बच्चे का ऑक्सीपुट है, जो उसके सर का पिछला हिस्सा है, वो माँ की प्यूबिक सिम्फिसिस को टकरा रही, और अगर बच्चे का माथा उसकी आंखें ऊपर की तरफ हैं, ये फिर क्या बना, ये फेस टू प्यूब्स बना। इसका मतलब है ऑक्सीपुट तो नीचे है रेक्टम की तरफ, तो अगर बच्चे का ऑक्सीपुट नीचे रेक्टम की तरफ है माँ के, तो इसका मतलब दिस इज ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अब आपने अगर सिनेरियो में ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पढ़ा, आपको पता चल गया कि प्यूबिक सिम्फिसिस की तरफ तो बच्चे की आंखें हैं, और जो बच्चे का सर है पीछे वाला ऑक्सीपिट है वो माँ के रेक्टम की तरफ है, यानी इसको कहते हैं फेस टू प्यूब्स। अब गाइडलाइंस हमें ये रेकमेंड करती हैं कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करना है और उसमें से फॉर्सेप डिलीवरी करना है, मिड कैविटी फॉर्सेप भी नेविल बॉन और सिम्पसन होता है, लो मिड कैविटी भी नेविल बॉन सिम्पसन होता है, इनमें हेड स्टेशन का डिफरेंस होता है लेकिन इंस्ट्रूमेंट एक ही है। सो फॉर्सेप्स जो नेविल बॉन और सिम्पसन है 45 डिग्री से कम की रोटेशन में आपने अप्लाई करना है, और वो कौन सी पोजीशन है मैंने अभी बताया, ऑक्सीपिटो इंटीरियर, ऑब्लीक ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोस्टीरियर, राइट लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोस्टीरियर। लेकिन अगर 45 डिग्री से ज्यादा रोटेशन हुई, यानी कि सेजिटल सूचर ट्रांसवर्स पोजिशन में पड़ा हुआ है, अब ये रोटेशन ज्यादा है, अब नहीं आपने नेविल बॉन सिम्पसन लगाना, अब आप इस पे कीलैंड्स फॉर्सेप लगाएंगे। फिर एक और सिनेरियो आता है एलओटी आरओटी, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, इसमें भी कीलैंड्स लगाना है। अगर ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है या एलओटी आरओटी है और प्लस वन फीटल हेड स्टेशन है, कीलैंड्स अप्लाई कर दें। बिटवीन जीरो एंड प्लस वन है तब भी कीलैंड्स अप्लाई कर दें, प्लस टू पे है तब भी कीलैंड्स अप्लाई कर दें। लेकिन अगर सिंपली ऑक्सीपिटो इंटीरियर है, राइट लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोस्टीरियर है और प्लस वन प्लस टू है, तो नेविल बॉन और सिम्पसन अप्लाई कर दें। अब एक और बात आती है, मैं आपसे कहती हूं कि जी माँ एग्जॉस्ट हो चुकी है, वर्टेक्स प्लस वन पे पड़ा हुआ है। वर्टेक्स का मतलब है बच्चे का सर, कैफेलिक प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स ऑक्सीपिटो इंटीरियर है, कोई राइट लेफ्ट नहीं है, कोई ऑब्लीक नहीं है, सिंपल सा ऑक्सीपिटो इंटीरियर है, और वर्टेक्स प्लस वन पे पड़ा हुआ है, माँ एग्जॉस्ट हो चुकी है, माँ को फुली डायलेटेड हुए विद 4 घंटे गुजर चुके हैं विद एपिड्यूरल, मेकोनियम पास कर रहा है बच्चा, फीटल हार्ट रेट भी उसके खराब है, ब्रेडिकार्डिया, क्या रेंज है फीटल हार्ट रेट की, 110 बीट्स पर मिनट से लेके 160 बीट्स पर मिनट, 110 बीट्स पर मिनट से नीचे नॉन रियोशोरिंग हो जाता है, और 100 से नीचे फीटल ब्रेडिकार्डिया। सो मैं आपसे कहती हूँ 95 बीट्स पर मिनट फीटल हार्ट रेट आ रहे हैं, मेकोनियम आ रहा है, माँ एग्जॉस्ट हो चुकी है, बिल्कुल पुश नहीं कर रही, अब बताएं क्या करेंगे। हम यहाँ पे फॉर्सेप लगाएंगे, वैक्यूम नहीं लगाएंगे, वाई, बिकॉज हाई हेड स्टेशन है, प्लस वन इज हाई हेड स्टेशन, प्लस वन भी हाई है, बिटवीन जीरो एंड प्लस वन भी हाई स्टेशन है। ऐसे में किताबें हमें कहती हैं, ड्यूहर्ट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ द मदर इज एग्जॉस्टेड एंड देर इज हाई फीटल हेड स्टेशन, प्लस ब्रेडिकार्डिया भी है, मेकोनियम भी आ रहा है, अवॉइड अप्लाइंग वेंटूस, अवॉइड अप्लाइंग वैक्यूम, ऐसे में गो फॉर फॉर्सेप डिलीवरी, एंड द चॉइस ऑफ फॉर्सेप विल बी मिड कैविटी फॉर्सेप, जो कि नेविल बॉन और सिम्पसन होगा, क्योंकि हमें कीलैंड्स तो नहीं चाहिए ना, हमें रोटेशन तो नहीं चाहिए, हमारा तो ऑक्सीपिटो इंटीरियर है, सिर्फ चूंकि माँ एग्जॉस्ट हो चुकी है हम इसलिए वैक्यूम नहीं लगा रहे, और वो भी क्यों नहीं लगा रहे, जब आप वेंटूस हाई स्टेशन पे अप्लाई करते हैं, यानी बिटवीन जीरो एंड प्लस वन या प्लस वन, तो आपको मदर को कहना पड़ता है साथ साथ के पुश करो, मदर हैज टू पुश, फिर ही हम वैक्यूम डिलीवरी कर सकते हैं, वरना हमारा वैक्यूम डिलीवरी सक्सेसफुल नहीं होगा, हाई हेड स्टेशन है ना, इतनी ऊपर से आप निकाल के लेके आ रहे हैं। सो माँ को पुश करना जरूरी है। अब अगर माँ ही पुश नहीं कर रही, माँ एग्जॉस्टेड होके बैठी हुई है, तो फिर कैसे वैक्यूम वहां पे हो सकेगा। दूसरी बात क्या है, ब्रेडिकार्डिया, इतने ज्यादा ब्रेडिकार्डिया में वैक्यूम को नहीं लगाना चाहिए। तीसरी बात क्या है, मेकोनियम है। वैक्यूम डिलीवरी अवॉइड करनी है अगर फीटल ब्रेडिकार्डिया है, अगर कैपट बना हुआ है, अगर प्री टर्म डिलीवरी है। चौथी बात मैंने क्या बताई, एग्जॉस्टेड मदर विद हाई हेड स्टेशन। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जिसमें वैक्यूम को अवॉइड करना है। तीसरा इसमें सिनेरियो है, मैं आपसे कहती हूँ पेशेंट को फुली डायलेटेड हुए 4 घंटे हो गए, फीटल डिस्ट्रेस है, फीटल ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजिशन है, और फीटल हेड स्टेशन 0 है, इस्टियल स्पाइन के लेवल पे है। Now this is deep transverse arrest. Now you will go for cesarean section. You will not plan instrumental delivery. No instrument can be applied at zero station. एक और इसमें scenario आता है कि सब कुछ ठीक है, माँ exhausted नहीं है, माँ बिल्कुल ठीक है, माँ का hydration status ठीक है, माँ को आपने analgesia दिया हुआ है, माँ को fully dilated हुए अभी 2 घंटे या 2.5 घंटे गुजरे हैं, बच्चे का कोई meconium नहीं है, fetal heart rate बिल्कुल ठीक है, CTG reactive है,
और वो आपको साथ में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का स्टेटस बताएंगे। कॉन्ट्रैक्शन को कैसे असेस करना है? अच्छी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की कॉन्ट्रैक्शन होती है, 45 to 50 seconds कॉन्ट्रैक्शन ईच, एंड इट शुड बी 3/10 या 4/10, नॉट लेस देन 2/10, नॉट बियॉन्ड 5/10। अच्छी कॉन्ट्रैक्शन होती हैं कि 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रही हैं और एक कॉन्ट्रैक्शन 45 टू 50 सेकेंड्स की आ रही है, ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की कॉन्ट्रैक्शन है। और कैसे देखेंगे? पैल्पेबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं ना, हम ऊपर से हाथ लगा के देखते हैं, यूट्रस स्टोनी हार्ड हो रहा होता है, जिसमें आपको पता चलता है। सो अगर 2/10 की कॉन्ट्रैक्शन है, दैट मीन्स दिस इज पुअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और अगर 5/10 की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, दैट मीन्स इट इज टैकीसिस्ली, ये यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन का सिनेरियो है। सो वहां पे फिर आप टोकोलोसिस करेंगे, वहां पे कुछ ना कुछ आप यूट्राइन रिलैक्सेंट देंगे ताकि यूट्रस रिलैक्स करे। क्यों? क्योंकि जब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स फीटस कट ऑफ हो जाती है। सो फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम बच्चे की ऑक्सीजन खत्म, फीटल हाइपोक्सिया, फीटल डिस्ट्रेस। 5 कॉन्ट्रैक्शंस 10 मिनट में आ रही हैं, तो ये तो 50 सेकंड की तो एक कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, ये तो कहां बात जा रही है 10 मिनट के अंदर, यानी 10 मिनट में से 8 मिनट तो प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हुई भी है। ऐसे में टर्ब्यूटलिन यूज करते हैं ताकि यूट्रस रिलैक्स करे। अब अगर मैं कहती हूँ 25 सेकंड की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, माँ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कॉन्ट्रैक्शन अच्छी नहीं है। अब आप सोचें कि अगर सर्विक्स फुली डायलेटेड है तो 20 सेकंड्स की कॉन्ट्रैक्शन तो बड़ी इनएफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन है। सो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे? ऑगमेंट विद सिंटोसिनॉन। नाइस गाइडलाइंस कहती हैं कि लेबर में आपने सिंटो के साथ ऑगमेंट बड़ा ध्यान से करना है। इससे बेहतर है कि आप सिंटो से बच्चा मारें, आप वैसे लेबर को प्रोग्रेस करा लें, आपने सिंटो को मैक्सिमम लेवल तक अवॉइड करना है। बस जहां आपको लगा कि इनएफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है और सर्विक्स फुली डायलेटेड है, ओनली वहां आपने सिंटो देना है। जैसे मैंने इस सिनेरियो में बताया कि फुली डायलेटेड हुए भी 2.5 घंटे हो चुके हैं, कोई फीटल डिस्ट्रेस नहीं है, सीटीजी रिएक्टिव है, ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन है, लेकिन 2/10 की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, 25 सेकंड्स की इंटेंसिटी है ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की। ऐसे में यू कैन ऑगमेंट विद सिंटो। लेकिन अगर इसी सिनेरियो में मैं कहती हूँ 45-50 सेकंड्स की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है और 3/10 कॉन्ट्रैक्शन है, अब क्या करेंगे? रीअश्योर, कुछ नहीं करना, सीटीजी भी ठीक है, माँ भी ठीक है, माँ के वाइटल्स भी ठीक हैं, कॉन्ट्रैक्शंस भी एफिशिएंट हैं, डायलेटेशन भी अच्छी हो रही है, अभी हमारा मैक्सिमम टाइम भी नहीं निकला, 2.5 घंटे गुजरे हैं, हमारे पास मैक्सिमम टाइम प्राइमरी में 4 घंटे हैं, मल्टी में 3 घंटे हैं। सो आपने देख लिया कि अभी हमारे पास टाइम है, कोई बात नहीं, आप उसको रीअश्योर करें। अक्सर औकात वो रीअश्योर के लिए +1 का सिनेरियो भी दे देते हैं, ठीक है, +1 पे भी रीअश्योर कर सकते हैं, आ जाएगा नीचे। और मैं आपको बताऊं, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर देर से आता है नीचे, जल्दी नहीं आता, फेस टू प्यूब्स ऑक्सीपिटो इंटीरियर के मुकाबले में देर से डिसेंट करता है, फीटल हेड डिसेंट उसका आराम से होता है। सो अगर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर का सिनेरियो आया, उसको आप आराम से फीटल हेड डिसेंट होने दें, हमें कोई जल्दी नहीं है, अनलेस एंड अंटिल कि हमारा 4 घंटे का थ्रेशोल्ड निकल गया। ये बात पता चल गई, फिर इसमें वैक्यूम के 2-3 सवाल आते हैं, उसमें आपको वो सिंपल सा सिनेरियो दे देंगे, डायलिटेशन अच्छी है, कोई मेकोनियम नहीं है, कैपर्ट नहीं है, और आपको कह देंगे +2 पे फीटल हेड स्टेशन है, ठीक है, आप +2 पे वैक्यूम कप अप्लाई कर सकते हैं, सीटीजी भी अच्छी है, फीटल हार्ट रेट भी आपके अच्छे हैं, रेंज में है ना, 110 से 160 की रेंज के अंदर है, 150 है सपोज करें, सो ठीक है, आप ऐसे में वैक्यूम अप्लाई करेंगे। और वैक्यूम भी कुछ हद तक रोटेशन करता है, जब आप वैक्यूम डिलीवरी करते हैं ना, तो वैक्यूम भी कुछ हद तक रोटेट करता हुआ बच्चे को निकाल रहा होता है, सो थोड़ी बहुत रोटेशन वैक्यूम से भी होती है। सो अगर ऑब्लीक ऑक्सीपिटो इंटीरियर पड़ा हुआ है +2 पे, तो आप वैक्यूम डिलीवरी कर सकते हैं, ऑब्लीक ऑक्सीपिटो इंटीरियर को वो खुद ब खुद रोटेट करके ले आएगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि फीटल हेड क्राउनिंग पे पड़ा हुआ है या +3 के लेवल पे पड़ा हुआ है, तो यहां पे फिर आप या तो वैक्यूम डिलीवरी कर सकते हैं या फिर आउटलेट फॉरसेप डिलीवरी करनी है, यानी कि रिग्लीज फॉरसेप्स। सो सबसे पहले ना फिर ऐसी सिचुएशन में आपने डिसाइड करना है कि मैं वैक्यूम लगाऊं या फॉरसेप लगाऊं। जब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है वैक्यूम नहीं लग सकता, मैंने फॉरसेप लगाना है, अब आप देखें आपका फीटल हेड स्टेशन किस लेवल पे है, आपकी रोटेशन किस तरह की है। सो एग्जाम में आपने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को भी देखना है, बिशप स्कोर की फाइंडिंग को भी देखना है, इंक्लूडिंग सर्वाइकल डायलिटेशन, फुली डायलेटेड कब से है, एपिड्यूरल एनल्जीजिया है कि नहीं, हेड स्टेशन कौन सा है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन को देखना है, प्रेजेंटेशन में पोजीशन भी देखनी है कि अगर ऑक्सीपिटो इंटीरियर है तो लेफ्ट राइट ऑब्लीक है क्या है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है तो क्या है, और अगर ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है तो उसमें क्या पोजीशन है, आरओटी है, एलओटी है, क्या बात है।
अब आ जाएं इस क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 55 में उन्होंने कहा कि ग्रेबिडा 4 पैरा 0 प्लस 2 है, देख लें उसके पास कोई अलाइव इशू नहीं है और वो फुल टर्म है और ग्लैंडिन से उसे इंड्यूस भी किया हुआ है. ऐसे में वो आपके पास रेफर होकर आई है और उसको फुली डायलेटेड हुए 1.5 आवर गुजर चुका है और फीटल ब्रेडिकार्डिया आ रहा है. स्टेशन -1 विच इज क्वाइट हाई, 0 से भी पीछे. आगे उन्होंने कहा कैपेट +2 के लेवल पे है और ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजिशन है, ये तो नहीं डिलीवर होगा. द आंसर हेयर इज सिजेरियन सेक्शन. -1 पे तो फॉर्सेप नहीं लगेगा ना, मैंने आपको कौन सी लिमिट बताई है? मैंने आपको फॉर्सेप की लिमिट बताई है बिटवीन 0 एंड +1, +1 +2 +3, ये हमारी फॉर्सेप की लिमिट है. और वैक्यूम की लिमिट कौन सी है? बिटवीन 0 एंड +1, +1 +2 +3, इन सारों में ही है. लेकिन हाई हेड स्टेशन में एग्जॉस्टेड मदर पे वैक्यूम नहीं लगाना.